नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाने वाले हैं, जो यंत्र दिखाने वाले हैं, वो उसे प्रेशर रेगुलेटर कहते हैं। कहेंगे दोस्तों इसका नाम प्रेशर रेगुलेटर। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों इसका काम क्या होता है। इसका काम यह है कि दोस्तों गैस से भरे सिलेंडर में गैस उच्च दाब पर भरी हुई होती है। जो गैस का सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होता है उच्च दाब पर भरी होती है, मतलब पूरा दबाव के साथ भरा होता है। अब उच्च दाब के कारण गैस सीधे ब्लो पाइप में हम नहीं ले जा पाते। ब्लो पाइप मतलब कहे तो गैस यूज करने के लिए जो पाइप हम लगाते हैं, यहाँ से जो निकलता है उसे डायरेक्ट हम ब्लो पाइप में यूज नहीं कर पाते हैं। यहाँ से आएगा, इसके अंदर प्रवेश करके यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो यूज नहीं कर पाते हैं। तो जब यूज नहीं कर पाते हैं तो इस दाब को कम करके कार्यकारी प्रेशर बनाने के लिए प्रेशर रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। यही जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ ये प्रेशर रेगुलेटर है। अब प्रेशर रेगुलेटर की प्रेशर गैस निकालने के साथ साथ ही समान बना देता है। जैसे कि यहाँ से गैस जाएगा इसके अंदर और यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ से ट्यूब पाइप के द्वारा हम निकालेंगे तो गैस का दाब यहाँ से हम समान बना सकते हैं। जैसे चाहे उस तरह से हम इसको बना सकते हैं और यहाँ हाई लेवल और लो लेवल का प्रेशर दोनों बता सकता है। तो दोस्तों सिलेंडर रेगुलेटर से निकालने वाली गैस की प्रेशर मापने के लिए हम इस रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं जो दो प्रेशर गेज में लगे होते हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। रेगुलेटर के बनावट के आधार पर बात करें तो दो तरह के रेगुलेटर होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे पहला बात करें तो सिंगल स्टेज रेगुलेटर होता है और दूसरा होता है डबल स्टेज रेगुलेटर। सिंगल स्टेज रेगुलेटर में क्या होता है दोस्तों कि ये वाल्व एक और ये जो होता है इसमें नीचे होता है, ये वाला पॉइंट जो है इसका, ठीक है। और डबल में क्या होता है कि दो इनलेट वाल्व होते हैं, ऐसे दो जगह रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक और यहाँ रहेगा, ये दो जगह रहेगा लेकिन ये सेम रहेगा इसमें दोनों में। और ये एक में लगा है लेकिन एक जो रहेगा इसमें रहेगा और ये वाला पार्ट दूसरा जो इनलेट यहाँ रहेगा उसमें रहेगा। अब यहाँ बात करते हैं किस प्रकार से इसका यूज करेंगे और इसका नाम क्या क्या है और कैसे इसका यूज किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बताएंगे दोस्तों, तो ये है आपका कनेक्शन टू मैच आर्गन टैंक। जैसे आर्गन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन, यहाँ आपका सुपर गोल्ड है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया है, यहाँ भी सुपर गोल्ड ऑक्सीजन लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ मोल्डे, मतलब इसका यूज जो होता है केवल इंडस्ट्रियल में यूज कर सकते हैं। एचपीजी मतलब जो मेड इन इंडिया, अर्थराइट जो होते हैं, अर्थराइटर जो होते हैं वो मेड इन इंडिया का है ये दोस्तों, मतलब इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर या बनावट किया गया है। और इसके बाद से इसकी बात करें तो कनेक्शन टू मैच आर्गन टैंक या ऑक्सी एसिटिलीन या ऑक्सीजन टैंक का यूज हम ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद से गैस एडजस्टेबल आता है, तो गैस एडजस्टेबल जो होता है दोस्तों यहाँ पे होता है लेकिन इसमें है नहीं दोस्तों, ठीक है। जैसे ओवर गैस प्रेशर रिलीफ वाल्व भी इसमें होता है, तो एग्जांपल मान लीजिए ये, लेकिन यहाँ पे तो हम गैस को लेके जाएंगे काम के यूज करने के लिए, यहाँ पे रिलीफ वाल्व लगाया जाता है कि अगर गैस का दबाव अधिक हो जाए कम हो जाए उसको खोल के हम उसको रिलीफ कर सकें, ठीक है, इसके लिए। अब यहाँ पे ओडी ट्यूब होती है जो 1/4 इंच का, तो ये आप दर्शा सकते हैं जैसे 1 इंच में कितने सूत होते हैं, तो 1/8 होते हैं, तो इस तरह से 1/4 इंच का ट्यूब जो होता है ओडी ट्यूब उसको बोला जाता है। इसमें ट्यूब पाइप लगा दिया जाएगा, यहां से गैस को ले जाके हम काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद से बात करें तो करंट पीएसआई आउटपुट रेगुलेटर, यहां है करंट पीएसआई आउटपुट रेगुलेटर और ये इनपुट रेगुलेटर, मतलब करंट ओवरऑल प्रेशर इन टैंक हाउ मच गैस इन लेफ्ट राइट से और इधर राइट साइड से, ठीक है। यहाँ से हम प्रेशर देंगे दोस्तों, तो ये आपका इनलेट, मतलब यहाँ कह रहा है दोस्तों जो इसकी बात आउटपुट, यहाँ से निकासी जब करेगा तो वो बताता है और यहाँ से जब इनपुट करेगा तो ये बताता है। लेकिन यहाँ एक और बात कही जा रही है कि जब सिलेंडर से हम गैस इसमें छोड़ेंगे यहाँ से, तो जब गैस हम छोड़ेंगे तो यहाँ आउटपुट बताएगा, मतलब निकल रहा है, और यहाँ जब जाएगा तो यहाँ इनपुट बताएगा, ठीक है, कि मतलब यहाँ से जब इधर से निकलेगा तो इनपुट इसमें बताएगा। लेकिन सिंपल हम बात करते हैं आउटपुट ये और इनपुट ये, ठीक है।
इनपुट का अंदर का ये बताता है और आउटपुट का प्रेशर गेज जो होता है वो ये बताता है, ठीक है। और ये दोनों जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसे प्रेशर गेज मापक यंत्र बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करें दोस्तों अंदर की, तो PSI आउटपुट इसमें, इसके अंदर के सारे सिस्टम होते हैं और इसका करेंट ओवर ऑल प्रेशर इन टैंक कहा जाता है, हाउ टू मच गैस इज लेफ्ट, ठीक है। अब इसकी बात करें दोस्तों यहाँ का जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसकी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट प्रेशर एडजस्टमेंट टर्न क्लॉक वाइज टू इंक्रीज प्रेशर। इसका जो टर्न है वो क्लॉक वाइज है दोस्तों, ठीक है, जो टर्न है क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक में ये खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और टर्न जो है इसका क्लॉक वाइज में है, ठीक है। तो इस प्रकार से गैस के एडजस्टमेंट करने के लिए भी हम इसका यूज किया जा सकता है। अब ओवर प्रेशर रिलीफ वाल्व यहाँ जो साइड में लगा होता है, जब इसे कंट्रोल नहीं हो पाता तो वहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रेशर गेज की बात करें तो ये दोनों आपका प्रेशर गेज है, अब इसको सिंपल कह सकते हैं प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे यहाँ पे, आपको जो ये दिखाई दे रहा है कनेक्शन टू मैच ऑक्सीजन टैंक या जो भी टैंक रहेगा उसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ ये आप देख सकते हैं हेक्सागोनल बोल्ट लगा हुआ है और इसमें जैसे कि फ्लैंज जोड़ की तरह ये है दोस्तों, मिट्टी थ्रेड कटी हुई है, ठीक है, और इसमें पाइप को एडजस्ट कर दिया जाएगा, बोल्ट के द्वारा कस दिया जाएगा, और यहाँ भी आपका थ्रेड है, इसे भी आप खोल सकते हैं, बोल्ट यहाँ लगा के रेंच यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से भी खुल जाएगा, और इसको भी दोस्तों यहाँ पे रेंच लगाएंगे तो यहाँ से सब पे थ्रेड कटा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी थ्रेड आपका कटा हुआ है, बिल्कुल दिखाई दे रहा हो आपको, यहाँ भी थ्रेड कटा हुआ है, ये सब बिल्कुल आसानी से खोज के इसका मेंटेनेंस आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये हमारे गैस प्रेशर को दाब मापक यंत्र के रूप में काम करता है, और कभी भी हम गैस को कितना छोड़ रहे हैं, कितना नहीं छोड़ रहे हैं, कितना पे छोड़ा जाता है, इसमें सब आपको कितना निकल रहा है, कितना बाहर जा रहा है, वो सारे चीज़ आपको बताता है। क्योंकि दोस्तों गैस जब हम सिलेंडर में गैस भरते हैं तो बहुत काफ़ी दबाव से प्रति घन सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें केजी प्रति सेमी स्क्वायर, केजी मतलब किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी आप देख सकते हैं किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इजी से आप ऑक्सीजन या एसिटिलीन या आर्गन गैस वेल्डिंग आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, प्रेशर रेगुलेटर का यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।